आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं जो 20 अगस्त का सीटेट का एग्जाम हुआ था ऑफलाइन, दो बार ऑनलाइन होने के बाद ये परीक्षा ऑफलाइन हुई थी। तो ये वीडियो आंसर की नहीं है, सिर्फ इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन जो है अपसारी चिंतन अभिसारी चिंतन से है। फिर यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है, मोटिवेशन से क्वेश्चन है। फिर अभिकथन कारण वाला एक क्वेश्चन है जैसा कि ऑनलाइन परीक्षा में भी पूछा गया था। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि किस आयु में बच्चे खेलों शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं, थोड़ा सा नया क्वेश्चन। कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास की आलोचना की है, तो नैतिक विकास का सिद्धांत जो कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया उससे क्वेश्चन। अधिगम के लिए आकलन का लक्ष्य क्या है, सहस्वावस्था में सामाजिकरण की भूमिका, ये पहले भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है। डिस्ग्राफिया आप जानते ही होंगे, ठीक है, लेखन संबंधी विकार या फिर पठन संबंधी विकार। इसके अलावा यहाँ पर प्रतिभावान बच्चों को यानी प्रतिभाशाली बच्चों से एक क्वेश्चन है, समावेशी से एक क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर से एक क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे पैडागॉजी के अंतर्गत अधिगम के लक्ष्य से क्वेश्चन है, व्यक्तिक विभिन्नता से क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर अभिकथन वाला क्वेश्चन और आया है, बच्चे प्रभावी ढंग से कैसे सीखते हैं, तो ये प्रश्न आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसके बाद हम बात करें वायगोत्स्की से, एक प्रश्न है जिसमें ये पूछा जा रहा है कि बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और वायगोत्स्की से 3 से 4 क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर जीन पियाजे से क्वेश्चन है, शर्ट की बटन बंद करने वाली, पहले भी पूछा जा चुका है। विशिष्ट विशेषता यहाँ पर पूछी जा रही है सोलिनिता वाला, यानी ये क्वेश्चन आपका आया है अधिगम संबंधी विकार के अंतर्गत। समस्या समाधान कौशल है, फिर अभिकथन वाला, टाइम टेकिंग क्वेश्चन इस बार ज़्यादा दिए गए हैं। अधिगम के दौरान किसका योगदान नहीं रहता, ये पूछा गया है, 23 क्वेश्चन हो चुके यहाँ पर। फिर अभिकथन वाला एक और क्वेश्चन है, फिर यहाँ पर वायगोत्स्की, तो वायगोत्स्की से यहाँ पर लगभग 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। कोहलबर्ग से एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर जीन पियाजे और वायगोत्स्की को अगर हम मिला लें तो CDP में 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर जीन पियाजे से एक और क्वेश्चन, वृद्धि और विकास से क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर स्थूल गतिक कौशल से क्वेश्चन है। बात करेंगे यहाँ पर, हम सीधे आ जाते हैं EVS में, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा जानने की चिंता रहती है कि आखिर किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, NCERT पूछा गया है नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे EVS के विद्यार्थियों के लिए व्यावहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने से संबंधित रचनात्मक कौशल वाला अभिकथन वाले क्वेश्चन यहाँ पर ज़्यादा पूछे गए हैं EVS में भी और CDP में भी। यहाँ पर कह रहा है कि पाठ्यपुस्तकों का चयन करना है, तो पाठ्यपुस्तकों के लिए मानदंड कैसा होना चाहिए। फिर यहाँ पर सीखने का परिणाम नहीं है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पर। तो EVS पढ़ाने का उद्देश्य पूछा जा रहा है, सबसे उपयुक्त तर्क क्या है, कहानी कविताओं का प्रयोग क्यों किया जाता है, थीम से क्वेश्चन है, ठीक है, जो थीम है, उप थीम है, उनसे क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर तुल्यात्मक संप्रेषण का चयन करना है, इसके लिए EVS शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान प्रश्न, ठीक है, प्रोत्साहित करता है ये क्वेश्चन, थीम से एक और क्वेश्चन यहाँ पर। आगे बात करते हैं, यहाँ पर अभिकथन वाले क्वेश्चन आए हैं और प्रश्न पत्र से एक क्वेश्चन है कि प्रश्न पत्र तैयार अगर कर रहे हैं तो उस पर किसका जोर होना चाहिए, मतलब किस बात को ध्यान में रखना चाहिए। बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती केंद्र यानी मैप से क्वेश्चन है, जंगलों के बारे में क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर। फिर बात करें पौधों के बारे में क्वेश्चन दिया गया, ये कई बार पूछा जा चुका है ऑलरेडी, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। यहाँ पर एक साइंस से भी क्वेश्चन आ गया है, दाब और गैस वाला। और फिर यहाँ पर घरों की विशेषताओं से प्रश्न है। फिर इसके बाद जो चावल पकने के बाद बनते हैं चिपचिपे, वो कहाँ का प्रसिद्ध है, कौन सा है, बोरा चावल। फिर यहाँ पर खेल से एक क्वेश्चन है और गुजरात के समीपवर्ती यानी मैप से एक और क्वेश्चन, ईंधन जलाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, मधुमक्खी पालन मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन, सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन कह सकते हैं। कांसा वाला भी प्रश्न कई बार पूछा गया, रिपीट हो गया। हाथी वाला क्वेश्चन है, सांप वाला क्वेश्चन है। तो EVS इस बार ठीक ठाक है, NCERT से बाहर नहीं, बस एक क्वेश्चन साइंस का देखने को मिला है। पैराग्राफ यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इसके बाद हिंदी के कुछ क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। कक्षा 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को नई शब्दावली से परिचित कराना चाहती है, भाषा सीखना किससे संबंधित है, ठीक है, कुछ इस तरीके से पेपर आया है। बहुत ईजी भी नहीं है, बहुत कठिन भी नहीं है, ईजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, मीडियम स्तर का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर अभिकथन वाले क्वेश्चन आए, यानी टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, यहाँ पर भी अभिकथन वाले हिंदी में भी क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा विकास के सिद्धांत से क्वेश्चन है। आगे बढ़ें, अगर हम कुछ और चीज़ें आपको दिखाएं तो मैथमेटिक्स का लेवल आप देख लीजिएगा, फिर संस्कृत का हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। मैथमेटिक्स के अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो 31 से स्टार्ट होते हैं ये क्वेश्चन, और 31वां प्रश्न आइए देखते हैं। यहाँ पर भिन्नों का मतलब आप यहाँ पर तुलना करना है तो कौन सा सबसे अच्छा तरीका होगा। फिर संख्या बोध वाला क्वेश्चन, NEP यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति से भी एक प्रश्न आया हुआ है,
फिर एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन, कक्षाई स्रोत दर्शाते हैं कि गणित तो यहाँ पर भय को बढ़ाता है, एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले की भूमिका उपयोग कर रही है, इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर कि खगोल विज्ञान के क्षेत्र में किसने काम किया है, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन काफ़ी सारे आए हैं, ऑनलाइन परीक्षा के बाद से ये बदलाव आपको देखने को मिल रहा है। आकलन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, इसके बाद यहाँ पर गणितीय अधिगम सामग्री के बारे में सही विकल्प चुनना है, कथनों में कौन सा सही नहीं है, गणित की प्रकृति से 45वां प्रश्न है, उद्देश्य को पूरा करने में फिर यहाँ पर आपके न्यूमेरिकल हैं। ये क्वेश्चन तो हर बार लगभग पूछा जाता है इस पैटर्न पर। यहाँ पर योगफल पूछा गया है संख्याओं का, 100 लाख को हम क्या कहेंगे, तो 1 करोड़ कहेंगे या 10 करोड़ कहेंगे, ये प्रश्न पूछा गया है। 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है फिर घटा दी जाती है दोनों संख्याओं का योगफल। फिर पूछा जा रहा है कौन सा गुणनखंड नहीं है, और संगीता एक साबुन खरीदती जिसका मूल्य इतना है, इतने सिक्के देती, कितने रुपए और उसको देने होंगे साबुन खरीदने के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पर टाइम और वर्क से क्वेश्चन, नहीं टाइम वर्क नहीं, यहाँ पर समय दिया गया है कि यात्रा, तो यात्रा पूरा करने में कितना समय लगेगा, समय से क्वेश्चन है। बढ़ते क्रम में भिन्नों का चयन करना है, यहाँ पर एक और एक एक नियम से क्वेश्चन है। ठीक है, वर्ग की भुजा इतनी दी गई है, दोगुनी कर दी जाए, तो ये वाला है क्वेश्चन। फिर यहाँ पर हम बात करेंगे कौन सा कथन सही नहीं है, पैटर्न एक रीजनिंग टाइप का है क्वेश्चन जो हर बार आता था वो भी है यहाँ पर। तालिका से क्वेश्चन पूछा गया है, और आयत से क्वेश्चन है, त्रिआयामी आकृतियाँ कौन कौन सी, इससे क्वेश्चन। तो हमने आपको इस वीडियो में CDP दिखाया, हिंदी दिखाया, और आपको यहाँ पर हमने EVS भी दिखाया और गणित भी दिखाया। कम समय में आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर दिखाया गया, आप संस्कृत भी देख लीजिए। आंसर की के लिए हम थोड़ा सा टाइम लेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में हम आपको कुछ भी आंसर बता दें, फिर आप अपने काउंट करें, फिर कम हो फिर ज़्यादा हो, इसलिए थोड़ा सा हम टाइम लेंगे और आंसर की आपको जल्दी प्रोवाइड कराएंगे। अभी आप सिर्फ क्वेश्चन पेपर का नेचर देख लीजिए। जो लोग पेपर नहीं देने गए हैं वो भी इस वीडियो को देख रहेंगे, तो उनके लिए भी जानना जरूरी है कि किस तरीके का प्रश्न आ रहा है। ठीक है, पैराग्राफ से यहाँ पर 10 क्वेश्चन लगभग आए हैं, फिर यहाँ पर इसमें संधि विच्छेद भी है, और ठीक है, लकार से क्वेश्चन है, वचन और पुरुष से क्वेश्चन है, फिर यहाँ से पैडागॉजिकल क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, भाषा शिक्षण की विधि, उदाहरण अनुसार, भाषा प्रयोगे अहम, भाषा भाषाया शुद्ध प्रयोगे केंद्रीय भूता। तो कुल मिलाकर हम ये कहें कि पेपर जो है, कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको, अगर आपने ऑनलाइन एग्ज़ाम देखा होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आए थे, उससे यहाँ पर सीख मिल रही है कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। खासकर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हुए हैं, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले, सब प्रैक्टिस करके जाइएगा। बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर रिपीट भी हो रहे हैं, और कुछ नए प्रश्नों को इस बार देखा जा रहा है। अगर हम CDP की बात करें तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग से मिला करके लगभग 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आंसर की के साथ। चैनल पर न्यू आए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा।